अपनी मासिक बैठक में भाजपा पर भड़के हीरानगर के पूर्व विधायक गिरधारी लाल चल्होत्रा। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हिंदू एकता मंच से नहीं मिली है तो कसूर उनका नहीं है बल्कि हमारे नेताओं का है, जिनकी कोई बात ही नहीं मानता है। हमारे पत्रकार श्यामलाल शर्मा ने जब पूर्व विधायक से पूछा कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे। और आसिफा के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है, पर क्राइम ब्रांच निर्दोषों को इस केस में ना फंसाए। उन्होंने कहा कि ये सब कश्मीरी हुक्मरानों के इशारों पर हो रहा है, मगर अब वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। उनकी संवेदना उस परिवार के साथ है जिसके साथ गलत हुआ है। हीरानगर से श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। रही है, हम हर 5 तारीख को ये मीटिंग करनी है, क्योंकि बहरूम जीएल डोर ने जो मीटिंग में करती हुई है उसके लिए हम पैरा दे रहे हैं। तो आज का झंडा जो है, आसिफा जो लड़की है, मोहम्मद लड़की, उसके बारे में है, उसका जो कत्ल हुआ है, उसको बुरी तरीके से मारा गया है, और हमें वो हमारी कजक है लड़की, जब हम हिंदू में कजक कहते हैं, दुर्गा देवी के रूप में है, हमारा दिल हिंदुओं का और हमारी कांग्रेस का, खासकर हमारे सब हिंदू जितने भी हैं उनका दिल बहुत परेशान है। हम ये चाहते हैं कि अगर वो मुस्लिम हिंदू है चाहे मुसलमान है, और अब धीरे धीरे ये सभी दुनिया राई है कि सीबीआई को रिपोर्ट दो, सीबीआई आए यहाँ वो इंक्वायरी करेगी, लेकिन ये इन्होंने वही दम रखा क्राइम ब्रांच को जो करवा रहे हैं, और क्राइम ब्रांच जो है वो देरी, हम कह रहे हैं कि अफसर मारे होंगे, अफसर ठीक ही होंगे, लेकिन लोगों की मर्जी जो है, लोगों का मतलब जो मर्जी है, हमारे बीजेपी वाले नहीं ये करने दे रहे। पंजी जो हमारे लीडर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, जिसने कल बयान दिया कि क्राइम ब्रांच ही करेगी, सीबीआई की क्या है, बड़ी अच्छी आईजी साहब है, हम मानते हैं लोग पूरी को, हम जानते हैं आईजी बहुत अच्छा एडिशन डीजी है, वो कर रहा है, जैसे कि जहां डीसी अच्छा है, जहां का एसएसपी सुलेमान चौधरी अच्छा है, ऐसे ही भी वो भी अच्छा ठीक हो रहा है, लेकिन हमें तरफ है जितने देर के एक पॉलिटिकल तौर पर दबाव, पॉलिटिकल दबाव हो रहा है, और हमारे उस केस को दर कर रहे हैं, और एक ही साइड के आदमी अरेस्ट कर रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं होता है। बहुत दूसरी साइड से जो फैमिली चले गई है, ये भी सुनने में आया है, हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं, हम हिंदू मुसलमान हमारे भाई हैं, लेकिन अगर उन्होंने कत्ल किया है तो उनको भी फांसी होनी चाहिए, हिंदू ने किया तो हिंदुओं को भी होनी चाहिए। हम इस मंच से हर बार बोलते रहेंगे, और मेरे कांग्रेस के लोग जैसे पहले गए हैं वहां प्रोग्राम पर, हर प्रोग्राम में मेरे हर वर्कर वहां होंगे। हम प्रेसिडेंट साहब को भी आज कह दिया कि आप भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसे कि हमें ऊपर हाई कमांड भी इंस्ट्रक्शन देती है, चलो उसको भी ये तरफ रखेंगे। अगर पानी ऊपर जाएगा, पानी सिर ऊपर होगा तो घसारी लाल भी कूद जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। रोज वहां मीटिंगें होती हैं, कौन लोग उनके घरों में आ रहा है, क्यों नहीं अब उनकी इंक्वायरी करते, क्यों नहीं उनको पूछते, क्यों नहीं उनसे नहीं पूछा गया कि बच्ची कैसे मरी, और मर्डर उन्होंने किया है, हिंदू बच्चों को खामखा परेशान किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो बीजेपी के जितने हमारे एमएलए मंत्री हैं, दो मंत्री हमें आश्वासन दे गए हैं कि हम जाके महबूबा जी से बात करेंगे, महबूबा नहीं मानी, और उल्टा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं माना, अब सुना है कि वो दिल्ली गए हैं बात करने, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, इनको तकलीफ क्या है सीबीआई इंक्वायरी कराने की, सीबीआई इंक्वायरी कुछ देखती है, ये जो जितनी भी पुलिस है ठीक है, हमारे डीजीपी, हमारे आईजी जो जैसे क्राइम ब्रांच के हैं वो अच्छे आदमी हो गए, लेकिन ये इनके आगे जो कश्मीरी हुक्मरान इस वक्त वहां बैठे हुए हैं, ये जम्मू के लोगों को कुचलना चाहते हैं, हम जो कभी कुचलने नहीं देंगे, इनका कहते हुए जय हिंद जय भारत।